उससे तुलना नहीं कर सकते। कर रहा है पर उतना नहीं कर रहा है, थोड़ा सा कम कर रहा है। ठीक है, अपन लोग बेसिकली जो ग्रेवल्स मैं बेचता हूँ वो मिक्स ग्रेवल्स होते हैं, जिनमें सभी तरह के कलर्स मिले हुए होते हैं। बट ये वाले आज नए प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, कुछ जो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे उनकी अनबॉक्सिंग हो रही है, और आप लोग देखें कि आप लोगों के क्या काम की चीज़ें हैं, क्या काम की चीज़ें नहीं हैं। जिसमें से मेरे पास बर्ड्स केज वगैरह जो थे, बर्ड्स का भी मैंने काम स्टार्ट किया था, आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, उनको भी मैंने रखना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मंगाया हुआ है बर्ड केज का भी। स्टार्टिंग करते हैं आज अपन लोग बर्ड केज से, बर्ड केज की वैरायटी देख लेते हैं कितनी है और कितनी क्वालिटीज़ हैं। आप लोग भी देखें, इनको इंस्टॉल करना पड़ता है और सेट करना पड़ता है, तो सारे सेटअप्स हैं। एक्चुअल में बर्ड्स नहीं आ पाई हैं, लेकिन बर्ड्स की कुछ एक्सेसरी ज़रूर आ गई हैं, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें भी आई हैं जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है लेकिन काफ़ी डिमांडेड होती है। जैसे फिशेस का जैसे फूड आता है, मेडिसिंस आती हैं, वैसे बर्ड का कैल्शियम आता है, कुकू कंपनी का ही प्रोडक्ट है, वो भी मैंने मंगाया हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे कि जो पीले कलर के बॉक्स रखे हुए हैं उन पे है, और केजेस की जो डिज़ाइन है वो भी तीन तरह की आई हुई है। कुछ बड़े केजेस थे वो नहीं आ पाए क्योंकि उसी पे बर्ड आती हैं, तो बर्ड बुक ही नहीं हो पाई थी। आप लोग कैल्शियम देख सकते हो, एक्चुअल में फ़र्स्ट टाइम पे आया हुआ मेरे पास। अगर किसी भाई लोगों को चाहिए होगा तो वो लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे से। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं रीवा सीधी सतना शहडोल तक तो मेरी सर्विस यहाँ से बस से ही जाती है, बट कहीं दूर से होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। और इस कैल्शियम की कीमत 100 रुपीज़, वैसे इसमें MRP होता है, वैसे आपके यहाँ क्या रेट में मिलता है ये मुझे पता नहीं है। और केजेस की तो लगभग मतलब कि क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, मतलब अगर कोई छोटे मोटे दुकानदार भी प्रोडक्ट्स लेना चाहेंगे, जैसे एक्वेरियम के लेते हैं, वैसे मैं बर्ड्स के प्रोडक्ट्स भी दे सकता हूँ उनको, स्टार्टिंग के लिए सही रहेगा। चलिए खोलते हैं दूसरा वाला बॉक्स। इसमें है फिश की एक्सेसरीज जो कि कुछ हो रही थी आउट ऑफ स्टॉक, तो जैसे जानते हैं आप लोग आउट ऑफ स्टॉक होने के पहले ही प्रोडक्ट्स जो हैं अपन लोगों को मंगाने पड़ते हैं, जिससे कि कुछ भी ख़त्म ना होने पाए। तो इस टाइम पे मैं जिलोंग के कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ। उसमें जिलोंग के जैसे मैंने हीटर यूज़ किए थे जो काफ़ी ज़बरदस्त थे, और इसी तरीके से मैंने जिलोंग की लाइटें भी मंगाना स्टार्ट की हुई हैं। तो इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ जिलोंग की लाइट काफ़ी अच्छी हैं, और इनमें क्या होता है ये मल्टी कलर की लाइट है, मतलब कि इसमें तीन कलर की लाइट LED रहती है, ऐसे जो आपकी रॉक्सिन वगैरह की होती है, RS वगैरह की रहती है, इनमें सिर्फ दो कलर की होती है, ब्लू या पिंक, और या तो फिर ब्लू वाइट, पिंक वाइट, बट इसमें तीन कलर एक साथ जलते हैं, जैसे कि पिंक है, ब्लू है और रेड है। और साथ साथ में टर्टल स्टैंड हो गया, सिलिकॉन हो गई, कुछ टर्टल फूड्स हो गए, ऑप्टियम 3-in-1 हो गया, इस टाइप की चीज़ें जो मेरे पास थोड़ा सा आउट ऑफ स्टॉक हो रही थी उनको भी मैंने बकायदे मंगा लिया है। एक सबसे ख़ास चीज़ आई हुई है जो काफ़ी अच्छी है, मुझे भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगी हुई है, बर्ड्स वगैरह के लिए काफ़ी बेनिफिट्स होंगे इसके। जैसे कि आप लोग जानते हैं ठंडी का सीज़न है, ठंडी सीज़न में मछलियों के लिए अपन लोग हीटर लगा देते हैं, तो आप लोगों को मैं बताऊँ चिड़िया लोग जो होती हैं ना उनके लिए ये काफ़ी काम की चीज़ है, बिकॉज़ ये थोड़ा सा अपन लोगों का जैसे मटकी वगैरह होता है ना उस टाइप का, ये कुछ आइटम का बनता है मिट्टी से ही, और इसके चारों तरफ इसको रस्सी से बुन दिया जाता है, जो कि काफ़ी गर्मी में ठंडा रहेगा और ठंडी में गर्म रहेगा। बर्ड्स वगैरह इसमें अपना घोंसला बना लेती हैं, वैसे इसे ये नेस्ट ही होता है जो आर्टिफिशियल होता है, बट ये काफ़ी नेचुरल टाइप से बना हुआ है। और आप लोगों को मैं इसकी कीमत भी बता देता हूँ, इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 220 रुपये की है। कुछ फिश फूड वगैरह भी थे जो मेरे पास नहीं मिल रहे थे, मिल रहे थे मतलब ख़त्म होने वाले थे। साथ साथ में एक थोड़ा सा कुछ चीज़ें और भी आई हुई हैं, आप लोग इस पूरे वीडियो में देखते रहेंगे तो पाएंगे। मेरे पास एक एयर पंप है जो कुछ स्पेशल एयर पंप आया हुआ है, जो कि है RS कंपनी का। RS कंपनी का एयर पंप नहीं, एक्चुअली मैं दरअसल बेचता नहीं हूँ, बट इस बार आया हुआ है। इसका रीज़न ये है कि मेरे को एक साइलेंट एयर पंप चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैंने एक साइलेंट एयर पंप का वीडियो भी बनाया हुआ है, पर ये जिस शॉपकीपर के यहाँ से प्रोडक्ट्स आए हुए हैं तो उनसे भी मैं बोला था मुझे साइलेंट एयर पंप भेज दिएगा, तो उन्होंने RS का कोई एक थोड़ा सा अच्छा एयर पंप भेज दिए हैं, बट वो देखिए कैसा एयर पंप है, उसका डिज़ाइन वगैरह तो थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट है, और उसमें एयर फिल्टर लगा हुआ है, मतलब जो वो एयर जहाँ से लेता है वहाँ पे थोड़ा सा फोम वगैरह, स्पंज वगैरह टाइप से कुछ घुसा हुआ है, जहाँ से जो हवा खींचे तो थोड़ा सा साफ़ सुथरी
हवा खींच पाए, बाहर के बैक्टीरिया वगैरह ना आए। और लेकिन उसमें नॉइस मतलब कि कैंसिलेशन तो नहीं है, लेकिन उसमें ये है कि आप रख दोगे एयर पंप तो एयर पंप अपने आप भागता नहीं है, मतलब एयर पंप एक ही जगह स्टेबलाइज रहता है ऐसा कह सकते हैं, नहीं तो बाकी सारे एयर पंप भाग भी जाते हैं। आप रखो एक जगह तो पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर बाद दूसरी, इतनी लंबी वायर होगी तो इधर उधर घूमते रहते हैं जैसे लगता है कुत्ता उत्ता पाल ली हो। तो ऐसे एक्चुअल में ये भाग नहीं रहा था, बस इतनी है। अभी मैं उसको दिखाता हूँ, थोड़ा सा हीटर वीटर निकाल दो, शायद यहीं पर कहीं पर दबा हुआ है। हाँ हीटर एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज होती है, हीटर मेरे पास कंटिन्यू आते ही जा रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हीटर अभी इस टाइम पे किसी कभी ख़त्म ना हो जाए, नहीं तो फिर मैं अपने कस्टमर को देख के, कस्टमर से ज़्यादा मैं दुखी हो जाता हूँ। उनकी मछलियाँ अगर बीमार होने लगती हैं या परेशान होने लगती हैं तो मुझे लगता है कि उनको सारे चीज़ें प्रोवाइड्स करवाना चाहिए, और कोई भी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हीटर हो, फिश फूड हो, बिकॉज़ इन सब प्रोडक्ट्स की शॉप भी काफ़ी कम होती है। और कुछ लोग बड़े उम्मीद लगा के किसी के पास फ़ोन लगाते हैं, आते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको सारी चीज़ें अवेलेबल। ये आप लोग देख सकते हो RS का 600 नंबर का एयर पंप है। मैं तो कहूँगा एक बार आप लोग भी इसको ट्राई करना और मुझे भी बताना कि आप लोगों को एयर पंप कैसा लगता है और कैसा लगा, क्योंकि मैं भी इसे चला के देखता हूँ, देखा तो इसको चलाने में काफ़ी मज़ा आया, और इसका डिज़ाइन वगैरह भी देखें तो काफ़ी ब्यूटीफुल टाइप का है, आप लोग देख सकते हो। और ये छोटा सा भी है, और इसके नीचे तरफ ना एक इसमें एयर फिल्टर भी लगा हुआ है, मैं आप लोगों को, लेकिन इसमें हाँ साउंड घों का आता है, अभी आप लोगों को तो सुनिएगा। उससे तो मैं नहीं करता है, कर रहा है पर उतना नहीं कर रहा है, थोड़ा सा कम कर रहा है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, मेरे पास कुछ ग्रेवल्स आए हुए हैं। एक्चुअल में अपन लोग बेसिकली जो ग्रेवल्स मैं बेचता हूँ वो मिक्स ग्रेवल्स होते हैं, जिनमें सभी तरह के कलर्स मिले हुए होते हैं, बट ये वाले इस बार मैंने क्या किया है कि 6 बोरी में अलग अलग कलर के ग्रेवल्स मंगा लिए, और जिसको भाई लोगों को जौन सा ग्रेवल पसंद आए वो अपने मनपसंद ग्रेवल चुन सकते हैं और ले जा सकते हैं। मतलब उनको ये नहीं होगा कि भैया मुझे लाल चाहिए, पीला चाहिए, गुलाबी चाहिए, हरा चाहिए, सफ़ेद चाहिए, सभी पत्थर अवेलेबल हैं, अपने मनपसंद पत्थर आप लोग ले जा सकते हैं, कीमत वही रहेगी, काफ़ी सुविधा रहेगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, थैंक्स।